दिन गुजर गए जब पसीना गुलाब था, अब अत्र भी मलेंगे तो खुशबू न मिलेगी। ये संदेश है मोदी जी का, मोदी जी का साफ साफ उन दलालों के लिए। और नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजीपुर जनपद से, जहां गाजीपुर जनपद के जखनिया विकास खंड टणवा टप्पा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नमस्कार, जहां सरकार की योजना नहीं पहुंच पाती थी, वहां अब लोग पहुंच रहे हैं और सब कुछ बता रहे हैं किस तरह से क्या कुछ है। आपने बिल्कुल देखा भी होगा, आपने आपके गाँव में भी यदि कार्यक्रम हो गया है तो आपको जानकारी होगी, नहीं हुआ है तो आपके भी गाँव में जरूर जाएगा, क्योंकि इस विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में हर गाँव में हर समाज हर जाति हर धर्म के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाने का जो यह दृढ़ संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, उसमें क्या कुछ है, किस तरह से कार्यक्रम हो रहा है, किस तरह से उसमें क्या कुछ किया जाएगा, ये पूरी जानकारी हम आपको रूबरू करवाएंगे। गाजीपुर के इस धरती पर आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। कृष्ण बिहारी राय, पूर्व जिला अध्यक्ष भाजपा और प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, लोकसभा गाजीपुर के हम संयोजक हैं। आज जो विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम आपके टणवा टप्पा में किया जा रहा है, इसका मूल उद्देश्य क्या है? चूंकि गांव के जो नागरिक हैं उनको ये नहीं पता है कि किस तरह का कार्यक्रम, वो आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम के तहत जो कुछ बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, उसको बखूबी समझ में रहे और लोगों को उसका लाभ भी मिला, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री जी समझते हैं कि आज़ादी के इतने दिनों बाद इस भारत की धरती पर गरीबी बनी हुई है, गरीबी दूर की जानी चाहिए और गरीबी दूर करने के साथ ही भारत विकसित हो जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा हो जाए। इस निमित्त प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चलाई हैं, योजनाओं की सत्यता जांचने के लिए और योजनाओं से लाभ अभी तक जो लोग वंचित रहे हैं उनको भी सूचीबद्ध करने के लिए गांव-गांव में विकास के अधिकारी, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पहुंच रहे हैं और लाभार्थी पहुंच रहे हैं, जो लाभ से वंचित हैं वो भी पहुंच रहे हैं। आपने जैसा कि यहाँ देखा है, सभी पहुंचे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और इस जिसके लिए योजनाएं हैं उसको लाभ यदि मिलेगा तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का जो प्रयास है, निश्चित रूप से 2047 तक भारत राष्ट्र विकसित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पहले हम यहाँ आप देखे थे किस तरह से लोग हैं, किस तरह से शामिल है इस कार्यक्रम में, जो यहाँ की पब्लिक है, जो आम जनता है, उन्होंने अपने मंच पर आकर बताया कि हमको माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजना का लाभ दिया जाता है, यदि वहाँ से 2000 रुपये हमारे खाते में तो हमारे खाते में 2000 रुपये मिलता है। सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद जो प्रधानमंत्री जी की योजना है वो गरीबों तक सीधे पहुँच रही है, इस पर आपके क्या राय है? मेरा नाम डॉक्टर मुराऊ राजभर, पूर्व श्रम कल्याण परिषद सदस्य, उत्तर प्रदेश शासक, वर्तमान में लालगंज के जिला प्रभारी। जो योजनाएं सीधे खाते में पहुंच रही है, इसका श्रेय आप क्या कहना चाहेंगे? ये जिसे पहले बिचौलिया करते थे लोग, आज सीधा जो हमारी योजना है सीधा डायरेक्ट उनके खाते में, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे शौचालय से संबंधित हो, जो भी योजनाएँ सीधे खाते में जा रही है, किसान सम्मान निधि है, किसान के इस कार्यक्रम के तहत आप यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ टणवा टप्पा गांव और चूँकि गाजीपुर का बॉर्डर भी लगता है, यहाँ के लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के लोगों को मैं कहना ये चाहूँगा कि 2024 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव होगा, आप उसमें सहभागिता अच्छी हो, इस गांव का भी उसमें भूमिका रहे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच खंड विकास अधिकारी महोदय हैं, इनसे भी हम आपको परिचय करवाएंगे। पहले भी हमने एक कार्यक्रम में आपसे परिचय करवाया था, ये अभी जो योजनाएं हैं महोदय, हम आपसे जानना चाहेंगे लगभग कितनी योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है? 29 विभाग की योजनाओं को इसमें जोड़ा गया है। 29 योजनाओं को, जो लोग कहते हैं, हमने ऐसे अन्यथा में, आप जो दर्शक बंधु हैं, प्रधानगढ़ हैं, अन्यथा में न लीजिएगा, हमने एक कहावत माननीय जी सुना था कि प्रधान जी लोग कमीशन लेते हैं तो कहते हैं कि खंड विकास अधिकारी महोदय को देना है, जिलाधिकारी महोदय को देना है और हमको इतना चाहिए तो ये योजना का लाभ मिलेगा। चूंकि अब जो विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें सीधे रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है,
तो इस तरह की क्या जो अब भी है आप लोगों तक ये जाता है सर कि मतलब खुले मंच पर मैं तो नहीं कहना चाहूँगा लेकिन जो बीच में अभी लाभार्थी खुद बोले हैं कि हमारा 2000 हमारे खाते में सीधे आ चाहे तो इसमें बिचौलिया तो बिल्कुल खत्म हो गई डिजिटल इंडिया के तहत, इस पर आपकी क्या राय है? पूरी खत्म हो गई है, लाभार्थी के खाता में ही पैसा जा रहा है जी बिल्कुल, बीच का बिचौलिया एकदम सीधे खत्म, सब खत्म हो चुका है। योजनाओं का लाभ लेना हो तो जो कड़ी है चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, राशन कार्ड की हो, उसके लिए लोग क्या करें? अभी भी कुछ लोग वंचित हैं, आपके जरिए उसका क्या पहल है? कुछ लोग जो वंचित हैं उसी लिए जो है ये कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन भी हो रहे हैं, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और जो बचे हुए हैं उनको हम रजिस्ट्रेशन करवा करके जो है उनको लाभ दिया जाएगा। चलिए आपसे हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं सुशील कुमार सिंह, विधानसभा संयोजक हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के। युवाओं के लिए आपका क्या संदेश होगा विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत? इस कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर हाथ को हर युवा को रोजगार देने के लिए मुद्रा बैंकिंग योजना चलाई है, विश्वकर्मा योजना चलाए हैं, जिससे संबंधित हमारी युवा हैं चाहे जिस भी विभाग से संबंधित हैं जो भी कार्य करना चाहते हैं वो ये नहीं है कि लाचार हैं, उनको किसी के यहाँ पैसे के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, वो कार्य करना चाहेंगे तो वो जो है अपना पैसा बैंक में जा करके, और मोदी जी ने कहा है कि गारंटी उनकी है, ऐसा नहीं है कोई गारंटर भी नहीं देना है, उनको उसका लाभ मिलेगा। बिल्कुल, हमारे साथ सीधे जुड़ेंगे प्रधान जी, इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। प्रधान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। चूंकि हमने पहली बार मंच पे देखा है कि लोगों ने बाकायदे प्रधान जी का नाम और किस तरह से योजना का लाभ मिलता है, किस तरह से आप गांव में घर घर जाकर उनको योजनाओं की जानकारी देते हैं, आप सबसे पहले हम परिचय जानना चाहेंगे, अब तो अपने दर्शक बंधुओं को बताना चाहेंगे, उसके बाद किस तरह से आप ये कर पाते हैं, चूंकि इस उम्र में तो हम जानते हैं कि घर घर जाना नामुमकिन है, लोग घर बैठे ही फरमान जारी कर देते हैं, लेकिन आप करते हैं। मेरा नाम दिलास सिंह यादव है, मैं ग्राम सभा टोनवा टप्पा का प्रधान हूँ और हर घर जाकर के हर गांव में जाकर के मैं बताता हूँ कि यह योजना आई है, अपना कागज़ पत्र आधार कार्ड चाहे जो भी कागज़ पत्र वो मुझे दीजिए, मैं ले चल करके ब्लॉक में जमा करूँ ताकि उस लाभ से आप वंचित न रह पाएँ। और लोग लगभग अधिक से अधिक लोग देते हैं, कुछ लोग तो वंचित हमेशा चलते रहेंगे, अब एक एक की गणना क्या बताई जाए, लेकिन भरसक प्रयास है, हमारी सरकार जो योजना दे रही है उसका लाभ रास्ता नाली शौचालय चाहे जो भी दे रही है बहुत बढ़िया दे रही है और उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं कि अधिक से अधिक विकास हो। चूँकि हम बताना चाहेंगे प्रधान जी के जस्ट सामने, यानी कि प्रधान जी का टड़वा टप्पा गांव है उसके ठीक सामने हमारा हरदासपुर खुर्द गांव पड़ता है और वहां से जब आंधी आती थी तो टड़वा टप्पा में धूल उड़ना शुरू हो जाता था तो हम लोग जान जाते थे कि अब आंधी आ जाएगी, लेकिन अब आंधी हो या फिर इस तरह से हो आप टड़वा टप्पा के किसी भी गली और गांव में चले जाइए, रोड पे चले जाइए, या तो इंटरलॉकिंग मिलेगा, नहीं तो खड़ंजा मिलेगा, नहीं तो आरसीसी मिलेगी। इसके पहले में भी कुछ लोगों ने काम किया लेकिन जो इस समय विकास हुआ है, जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत गांव-गांव में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और प्रधान जी लोग ढूंढ के काम करवा रहे हैं, इसके लिए हम प्रधान जी से जानना चाहेंगे कि जो पहले की अपेक्षा इस समय आप काम करवा पाए इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? देखिए पहले की अपेक्षा इस वर्तमान समय में जो हमारी सरकार है, गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी जी की, ये बहुत सुरखरू है, कार्य को लेकर के इतना कर्मचारी अधिकारियों पर प्रेशर बना रहे हैं कि स्वयं वो जो है कि जनता के ऊपर प्रेशर दे रहे हैं, इसलिए गांव गली चमक रही है, अब बिल्कुल चमक रही है, इतना पैसा भी नहीं आता था। तो जो संकल्प है माननीय प्रधानमंत्री जी का 2047 का, आपके नजरिए से वो सफल होगा? बिल्कुल सफल होगा। चलिए हमारे आगे कड़ी में ज्यादा समय न लेते हुए हम आप माननीय को जानते भी होंगे और परिचय भी होगा, नहीं परिचय है तो हम आपको परिचय भी करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपसे परिचय करवाते हैं उसके बाद आगे का सवाल होगा हमारा। आपका परिचय? अनिल कुमार पांडे नाम हमारा है, पूर्व जिला मंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी का। आप युवाओं के बीच रहे हैं, समाज के बीच रहते हैं, आप यदि 24 घंटे की बात करें तो जो 24/7 दिखाया जाता है तो उसमें से जितना भी कहा जाए आप बीच में ही रहते हैं, समाज में रहते हैं, समाज को जिस कड़ी से विकास के कड़ी से जोड़ा जा रहा है, जिस तरह से विकसित भारत संकल्प यात्रा की एक लहर दौड़ पड़ी है, इस पर आपके क्या राय है? लहर में किसान छात्र नौजवान आपको दिखाई दे रहा होगा, आपके कैमरे में भी सब लोग बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, जिसे आज ही इस गांव में टड़वा टप्पा में जोरदार तरीके से ग्राम प्रधान जी के नेतृत्व में किसान भी नौजवान भी सब ने विकसित संकल्प यात्रा का स्वागत किया। आपने एक प्रश्न किया अपने अधिकारी और प्रधान जी पर और खंड विकास अधिकारी पर, तो मैं उसके बारे में बता दूँ, वो दिन गुजर गए
जब लोग नंबर लगाते थे दलालों के यहाँ कमीशन खोरों के यहाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो दिन गुजर गए जब पसीना गुलाब था, अब अत्र भी मलेंगे तो खुशबू न मिलेगी। ये संदेश है मोदी जी का, मोदी जी का साफ साफ उन दलालों के लिए। और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चल रही है जिसके कारण आपके दरवाजे पर सरकार उपस्थित है। बाकी जो अन्य पार्टी के लोग हैं, या फिर इस तरह से मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो बार बार नारा आता था कि युवाओं के लिए क्या हुआ, युवाओं के लिए क्या हुआ, उनको रोजगार नहीं मिला, ये है। लेकिन अभी जस्ट 23 तारीख को, यानी एक दिन पहले, जो अभी विज्ञप्ति जारी हुई है यूपी पुलिस के लिए, उस पर आपकी क्या राय है? अब तो युवाओं के लिए सरकार काम कर रही है। 60,000 युवा जब एक साथ वर्दी पहनेगा तो पूरा उत्तर प्रदेश विकसित राष्ट्र की संकल्पना के प्रथम श्रेणी पर चढ़ जाएगा। इसलिए यह विज्ञापन और यह नौजवानों को अवसर मिला है, जो आज आपने कहा कि कहाँ तक सफल होगा, 2047 में भारत विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसकी पहली कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने नौजवानों को यह तोहफा दिया है। युवाओं के लिए अन्य जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, हम आपके जरिए उन पर प्रकाश डालना चाहेंगे। युवा एकदम मस्त है और भ्रष्टाचारी पस्त हैं और व्यभिचारी त्रस्त हैं, और हमारी सरकार अपने कामों में मस्त है, इसी काम में यह सरकार चल रही है, जनता एकदम मस्ती के साथ है। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ सीनियर संचालक महोदय हैं और ये भी युवाओं के बीच रहते हैं, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। हमसे आपसे पुनः अपने मंच पे परिचय आपसे जानना चाहेंगे। हम मनोज यादव, मंडल अध्यक्ष भाजपा जखनिया। जो अभी माननीय जी ने और तमाम लोगों ने कहा है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत प्रधान जी लोगों को जिम्मेदारी दे दी गई है कि आपके गाँव में जैसा जिसका हुनर है वैसे उस योजना से जोड़ा जाए और उसको वेरीफाई करके उनको जनपद तक पहुंचाया जाए और उसको हर योजना से पीएम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जोड़ा जाए, इस तरह से आपको भी मंडल के लिए प्रभारी भी बनाया गया है शायद, हमको जहां तक जानकारी है। इसमें युवा जिस कड़ी से जुड़ रहे हैं और स्वतः रोजगार कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? काफ़ी युवा जागरूक हैं और योजना प्रभावी तौर पर लागू है, और हमें उम्मीद है कि जो सरकार की मंशा है कि सभी को संभव नहीं है कि सरकारी रोजगार दिया जा सके, आत्मनिर्भर बने, और इसके कड़ी में ये योजना प्रभावशाली है और काफ़ी लोग अपने प्रमाण पत्र ऑनलाइन कर रहे हैं और ग्राम प्रधान जी लोग भी अपने माध्यम से फॉरवर्ड कर रहे हैं। हम सभी उसी कड़ी में जुड़े हुए हैं, हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और शुभकामनाएं उनके साथ है कि वे सदैव अग्रसर रहें और उनका जीवन सफल हो। हमारे बीच एक शिक्षक महोदय हैं, इनसे भी हम चंद समय में आपका परिचय करवा देंगे जी। चलिए, आप अब तक की क्या राय थी, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। खबर अच्छी लगे तो आप दूसरों तक फॉरवर्ड करें, क्योंकि विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उसे 2047 तक हम सभी को मिलकर सफल करना है। धन्यवाद।